हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज जो वचन मैं आपसे बांटने वाला हूँ ये फिर विश्वास के ऊपर है। हमारा परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। हमने देखा उत्पत्ति पहला अध्याय में परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना अपने वचन के द्वारा की। विश्वास के वचन के द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। आप याद कीजिए उन दिनों को जब आपने मसीह के वचन को सुना, जब पहली बार हमें किसी ने बताया परमेश्वर के प्रेम के बारे में, जो यीशु ने काम किया उसके बारे में, कि उसने हमारे पापों को, श्रापों को, बीमारियों को सब कुछ लेकर क्रूस पे हमारे लिए, हमारी जगह पे मारा गया। हालेलुया। रोमियो 10:17 कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हमने सुना, हमने विश्वास किया यीशु को कि वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे पापों श्रापों को सब कुछ जो मेरे खाते में था सब यीशु ने बुरा ले लिया। हालेलुया। जब मैंने अपने पापों से मन फिराया और यीशु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके मैंने स्वीकारा रोमियो 10:9-10 के अनुसार, और मैंने अंगीकार किया कि यीशु तू मेरे जीवन का प्रभु है, मेरे हृदय में आ। जब मैंने उसे अपने हृदय में न्योता दिया, जब मैंने विश्वास किया मन से कि पिता ने उसे मृतकों में से जिलाया है और जीकर वो मेरे मन में, जब मैं उसे न्योता देता हूँ वो आ गया। हालेलुया। तब मेरी आंखें खुली, तब मैंने सच में जो यीशु को कबूल किया, तब मुझे समझ में आया कि किस रीति से मुझे मांगना है। कुर्नेलियुस प्रेरितों के काम में जब हम कुर्नेलियुस के बारे में पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि उसने और उसके पूरे घराने ने वचन को सुना, विश्वास किया और पत्रस ने उनके लिए प्रार्थना की और उन सबों ने पवित्र आत्मा पाया। वचन को जब हम सुने, विश्वास सुनने से आता है। वो विश्वास यीशु के साथ मेरे अंदर आया, मैंने पवित्र आत्मा की चाह रखी। हालेलुया। क्योंकि लूका उसका 11:11 से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि तुम में से ऐसा कौन पिता होगा जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। पवित्र आत्मा हमारे लिए है, वो हमारा सहायक है। यीशु ने कहा, मैं पिता के पास जाता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो उस सहायक को भेजूंगा अर्थात पवित्र आत्मा, जो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। बिना पवित्र आत्मा के हम मसीह जीवन जी नहीं सकते। जब हमने पिता से पवित्र आत्मा की चाह रखी, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया और उसके सारे फल हमारे अंदर आए। हमारे आत्मा में पवित्र आत्मा वास करता है। ये जो शरीर है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। मसीह जो महिमा की आशा है, जब मैंने नया जन्म पाया, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया, तब मैं परिपूर्ण हो गया। मेरे आत्मा में मसीह वास करने लगा, उसका आत्मा वास करने लगा। हालेलुया। अब मैं अकेला नहीं, मेरा प्रभु, मेरा पवित्र आत्मा मेरे साथ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसके सारे फल, प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, उसमें से एक है विश्वास। विश्वास भी मेरे अंदर आ गया। हालेलुया। अब वो विश्वास, परमेश्वर ने सबको विश्वास एक समान दिया है। हालेलुया। विश्वास हमारे अंदर है। अब हम देखते हैं कि कोई किसी में विश्वास ज़्यादा दिखता है, किसी में कम दिखता है, लेकिन वो विश्वास परमेश्वर ने भेदभाव नहीं किया।
हालेलुया। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने रोमियो 12 अध्याय उसका 3रा वचन, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। परमेश्वर ने विश्वास समान दिया है। हम अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते, हालेलुया। हम अपने बच्चों को किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं देते, तो परमेश्वर कैसे विश्वास अलग अलग देगा। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा समान दिया है, ये आत्मा है, आत्मा का फल है। जैसे ही हमने स्वीकारा, ये वरदान है। रोमियो 6:23 कहता है कि पाप का वेतन जो है वो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है यीशु मसीह यीशु में। पवित्र आत्मा सबों को समान मिला है, वो एक ही आत्मा है, उसके फल भी सबके अंदर है। केवल इतना है कि हमें उस विश्वास को प्रैक्टिस करना है, उस विश्वास को कसरत करना है, ताकि वो फेथ मसल डेवलप होते जाए। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम इस विश्वास की पुस्तक को पढ़ते हैं, जब हम इस जीवन की पुस्तक को पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं कि कैसे अब्राहम का विश्वास था और वो विश्वास से धर्मी गिना गया, कैसे उसने अपने इसाक को मोरिया पर्वत पे लेकर गया और कैसे उसने विश्वास किया कि परमेश्वर जिसने दिया है वो मृतकों में से भी जिला सकता है। जब हम उसके विश्वास को पढ़ते हैं, तब मेरा विश्वास कहता है कि तू भी अब्राहम की तरह विश्वास कर, घबरा मत। परमेश्वर जीवन देता है, वो मोहिया करता है, वो यहोवा इरे है, वो एल शद्दै है। जब मैं पढ़ता हूँ दाऊद कैसे विश्वास के साथ गोलियत के सामने खड़ा रहता है, धैर्यता के साथ खड़ा रहता है, तब मेरा विश्वास भी बूस्ट होता है और मैं उसमें से सीखता हूँ कि दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो मसीह के सामने महान है, वो जो मेरे अंदर है उससे जो बाहर कार्य करता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर के नाम से जाऊंगा, ये मैं इस पुस्तक में से सीखता हूँ। और बहुत सारे हीरोज़ हैं विश्वास के। जब हम 11 अध्याय पढ़ेंगे इब्रानियों के, तो हमें पता चलता है और हम इस पुस्तक में से सीखते हैं कि कैसे मुझे अपने विश्वास में डेवलप होना है, कैसे मुझे फेथ का प्रैक्टिस करना है और मेरी मसल्स को स्ट्रांग करना है, फेथ मसल्स को। प्रेज द लॉर्ड। जो जो हम इसमें से पढ़ते जाते हैं, वैसे ही जब हम अपने जीवन में इन वचनों को अप्लाई करते हैं, तो वो है प्रैक्टिस। जब हम अड़े और खड़े रहते हैं विश्वास में, यूसुफ की नाई, मूसा की नाई, जब हम दूसरी चीज़ों को हटा देते हैं जो हमारे विश्वास में रोड़ा डालती हैं, तब हम असली जो उसका जो रस है मसीह जीवन का, तब हम ले सकते हैं वो विक्टोरियस लाइफ, हम जी पाएंगे। हालेलुया। प्रभु आपको इन सारे वचनों के द्वारा आशीष करे। इब्रानी 11 अध्याय को आप मनन करें, पढ़ें। हालेलुया। और उन सारे जो हीरोज़ ऑफ फेथ हैं, कैसे वो जीवन जिए, उनको एक एक को आप पढ़िए और मनन कीजिए और उसमें से अपने जीवन में एप्लीकेशंस को लीजिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष करें।